जय हिंद साथियों, जितने सारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि रनिंग की शुरुआत कैसे करें। अभी हमारे पीछे देख रहे होंगे हमारी टीम की सैरनिया, हमारी बहनें खड़ी है जो दिन रात पसीना बहा रही है, कोई एसएससी जीडी के लिए तो कोई झारखंड पुलिस तो कोई बिहार पुलिस तो कोई अग्निवीर के लिए खूब पसीना बहा रहा है। आप भी कहीं ना कहीं जरूर ग्राउंड में पसीना बहा रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपकी टाइमिंग नहीं घट रही होगी, कहीं ना कहीं आप नए नए दौड़ की शुरुआत किए होंगे, तो शुरुआती में कैसे दौड़े ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले दौड़ की शुरुआत पे बात करते हैं कि दौड़ की शुरुआत कैसे करें। देखिए, दौड़ की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप अपने जो जूते हैं, सबसे पहले रनिंग शूज ले लीजिए। अच्छा, कोई भी वीडियो इसका आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो रनिंग शूज अच्छा ले लीजिए। और दूसरी बात, रनिंग शूज ले लिए, कुछ लोग होते हैं कि गांव में जो दौड़ते हैं खाली पैर दौड़ते हैं, कोई बात नहीं, आप खाली पैर भी आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। अब हो गया रनिंग कैसे करें और सांस कैसे ले कैसे छोड़े, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। सांस हमेशा 65-70% नाक से सांस लिया और छोड़ा जाता है, बाकी जब हमको स्पीड और तेज दौड़ना होता है बाकी सांस जो 20-25% होता है वो मुँह से होता है, यानी मुंह का उपयोग होगा, हल्का मुंह खुलेगा, जैसे आप रील्स वगैरह में देखते होंगे करता है। तो सांस कैसे लेंगे छोड़ेंगे, तो आप ज़्यादा देर दौड़ पाइएगा, क्योंकि दौड़ते समय ऑक्सीजन लेवल का कमी होता है, तो इसलिए ये पूर्ति करेगा उसकी। तो आप 70-75% नाक से सांस लेंगे छोड़ेंगे, बाकी मुंह को भी खोल के रखेंगे दौड़ेंगे। हैंड पोजिशन ये होना चाहिए, जोर से मुट्ठी नहीं बनना, ये पोजीशन होना चाहिए। अब पैर जमीन पे जब गिरेगा तो ध्यान दे, पहले ये पंजा आता है, पहले उसके बाद ये आता है, ठीक है, पहले हील और ये ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा तब ये आएगा, आप समझिए, ये आएगा और ये आएगा, ये आगे वाला गिरेगा। मान लीजिए हम फुल पैर पे भी दौड़ते हैं, पूरा पंजे पे हम नहीं दौड़ पा रहे, तो पहले ये गिरेगा और ये, कुछ लोग का होता है हील आता है तो एंकल में दिक्कत होता है और साथ ही साथ बार बार पैर पूरा पटक गिरेगा इसे, तो या आपके घुटने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो शुरुआती में रनिंग करते समय इन बातों का विशेष ध्यान देना है, बाकी अपनी डाइट प्लान को सही रखना है, पानी ज़्यादा पीना है ताकि आपकी सेन पेन नहीं हो। बाकी आप हमारी टीम संस्थान से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल जल्दी जुड़िए। अभी आप देखे होंगे बीते भर्ती बिहार दरोगा 1275 पदों में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, झंडा गाड़े हुए था गर्दनी बाग में जो कि फिजिकल चल रहा है। अब बात करते हैं कि जूता हो गया, रनिंग कैसे करें, कैसे सांस ले कैसे छोड़े। अब उनकी बात करते हैं जिनकी टाइमिंग नहीं घट रही। देखिए, टाइमिंग घटाने के लिए आपको, जैसे आप थकते हैं स्टेमिना कब इम्प्रूव होगी, तो स्टेमिना तभी इम्प्रूव होगी जब आप थकने के बाद वर्कआउट करते हैं, यानी कुछ पेट की एक्सरसाइज ज़्यादा करें और स्पीड वर्कआउट जो होता है वो आप वीडियो देखेंगे तो वो वाली एक्सरसाइज करें, और साथ ही साथ जो 400 मीटर का हो गया चाहे 200 मीटर का हो गया, आप उसके लिए आप रिपीटेशन बार बार यानी लगाते रहेंगे, यानी शूट प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे तो आपकी टाइमिंग बिल्कुल घटेगी। कब? जब थकने के बाद इन सारी चीज़ों को करते हैं, सीट अप प्लैंक पे ज़्यादा ध्यान देंगे, स्टेमिना हमारी पेट से बढ़ेगी, दौड़ते समय पेटों में दर्द नहीं होगा, कोर वाली भी एक्सरसाइज बिल्कुल करेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी जानकारी एक छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश किया रखने को, बताने को। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करें और टीम से भी जल्दी जुड़ने का कोशिश करें। जय हिंद, वंदे मातरम।